चक्का जाम कर लिया आपने, भारत बंद कर लिया आपने, रेल रोक ली आपने, पुतले फूक लिए 26 तारीख को मोदी जी के, लेकिन सरकार टसे मस नहीं हुई है, कोई आपको पत्र नहीं भेजा है वार्ता करने के लिए, किसान कब तक तपेगा धूप में? नहीं देखिए, संघर्ष जारी रहेगा किसानों की, जब तक मांगे नहीं मांगेंगे किसानों का संघर्ष जारी रहेगा। जितना हमने कार्यक्रम में आगे भी कार्यक्रम करेंगे और जितने हम करते जा रहे हैं उतने ही लोग और आंदोलन में अपनी भूमिका निभाते जा रहे हैं और भावनाओं के आंदोलन के साथ जुड़ते जा रहे हैं, उन्हें लोगों को अपने हित पता पड़ते जा रहे हैं और लोग अपने अधिकारियों के लिए, अधिकारों के लिए और ज़्यादा संघर्ष भी करने पड़े तो करेंगे। देश की आज़ादी के बाद में सबसे बड़ा आंदोलन बन गया है किसान आंदोलन, सरकार इस पर गौर नहीं दे रही है। देखिए यही होता पूर्ण बहुमत की सरकार की हानि जो होती है, जो सरकार गौर नहीं दे रही है, मीडिया के बहाने दिखाना चाहती है कि कुछ है ही नहीं, लेकिन आम जनता को भी आज पता पड़ गया, जब इनके पास खबर जाती है अरे किसानों का संघर्ष ये तो बहुत दिन से चल रहा है 6-6 महीने से, तो आज आम जनता को भी पता पड़ गया है कि किसानों जो एशिया में बैठी है कि किसान बहुत दिन से संघर्ष कर रहे हैं, भले गवर्नमेंट मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू इन्हें नकारा जाए कि किसान संघर्ष नहीं, कुछ चंद बैठे हैं, लेकिन आज रोड पर चलते लोग 6-6 महीने बाद भी आके देख रहे हैं कि तंबू लग रहे हैं, तो फर्क तो पड़ रहा है पूरा। लेकिन रिजल्ट तो कुछ नहीं मिला अभी तक भी? नहीं, बिल्कुल मिलेगा रिजल्ट आगे, अब जो है सरकार चाहती है कि अब लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा अधिकार है, हथियार है, उसका किसान इस्तेमाल करेंगे और 2022 में रिजल्ट दिखा देंगे। उत्तर प्रदेश में मीटिंग हुई है संघ वालों की, बीजेपी वालों की, सरकार के बड़े बड़े नुमाइंदे हैं, जो क्या लग रहा है आपको यूपी में सत्ता परिवर्तन हो सकता है? देखिए अब ये इनकी चुनावी गणित रणनीति नहीं चल पाएगी, अब इनके गणित फेल होंगे, वो गणित जब चले थे जब जनता गुमराह थी, आज जनता को अपने अधिकारों का, अब अपने मूलभूत अधिकारों पर आ गई है जनता, ना चाइना के मुद्दे फंसने वाली है, ना पाकिस्तान पे, ना हिंदू मुस्लिम पे, जनता को ये समझ में आ गया जय श्री राम करने से घर में पेट नहीं भरा जाएगा। लेकिन जिस तरह से योगी जी को थोड़ा सा काफ़ी वेस्ट यूपी हो चाहे पूर्व यूपी हो जाना पड़ रहा है जगह जगह, वो देख रहे हैं स्वास्थ्य सुविधाएँ है, कैसी हैं, क्या लग रहा है सुगबुगाहट शुरू हो गई है? जिस तरह से जो ग्रामीण सरकार होती है, जिला पंचायत के चुनाव में जिस तरह से हार का मुंह देखना पड़ा है बीजेपी को, सीटें नहीं मिली हैं, 20% तक सीटें केवल हासिल कर पाई है, तो क्या किसानों की एक सफल, बिल्कुल किसानों की सफलता है, किसानों को यूपी में, अगर बंगाल में कहें बहुत से कहते थे वहाँ तो बीजेपी का था ही नहीं कोई, चलो बंगाल में भी हारे, लेकिन यूपी का रिजल्ट देखिए आप जिला पंचायत सदस्य का, जो एक पार्टी बड़ा बढ़ चढ़ के आती थी, जहाँ फूल जाता था वहीं वोट लगती थी, आज 20% सीट आ रही है उसकी, तो किसानों के तो बहुत बड़ा आंदोलन का रोल रहा है, और किसान आंदोलन ने लोगों को बता दिया देश को कि गुमराह मत होइए, इनके चंगुल से अपने अधिकारों को मांगो इनसे, ये कब तक आप धर्म के नाम पर और राष्ट्रवाद, झूठे राष्ट्रवादी जो बनते हैं इनके सारे, इनके आगे पीछे मुद्दा अपनी जयकारे लगाते रहोगे, अपने मुद्दों पर आइए, इनसे अपने मुद्दे अधिकार मांगो, ये किसान आंदोलन ने लोगों को बता दिया है। और आप देखिए लॉकडाउन खुलने दे दिए, किसान वर्ग है अभी बहुत, वर्ग आने वाला है आंदोलन करने, तो बहुत बड़ी समस्या बन गई देश में, अर्थव्यवस्था डाउन है, इतना बड़ा देश है कहीं भुखमरी ना फैल जाए, रोजगार नहीं है युवाओं के लिए, तो सारी व्यवस्थाएं चौपटे हैं, सब वर्ग अब आगे निकलने वाला और आंदोलन के खिलाफ स्टार्ट हो जाएंगे, और उसका विलय किसान आंदोलन, किसान आंदोलन उसका नेतृत्व करेगा। देश की राजनीति का जो रास्ता है वो यूपी से गुजरता है, जिस तरह से हार का सामना करना देखना पड़ा है भाजपा को जिला पंचायत चुनावों में, सुगबुगाहट शुरू हो गई है उत्तर प्रदेश में, क्या किसान जो है बाजी पलट सकता है? बिल्कुल बाजी पलटेगा किसान, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, किसानों का इतिहास उठा के देख लीजिए, किसानों के अच्छे अच्छे प्रधानमंत्रियों को सबक सिखाया है किसानों ने, जो पहले भी किसानों का जिन्होंने शोषण करना चाहे संसद के भवन से, उनको रास्ते पे लाया ये किसान, तो किसान बिल्कुल इन्हें रास्ते पे लाएगा। लेकिन मोदी जी ने सदन में जब राहुल साहब श्रद्धांजलि दे रहे थे मृत किसानों को, बड़ा मजाक उड़ाया था सदन में सत्ता पक्ष के सांसदों ने। मोदी जी के तो मजाक बहुत नहीं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया लाना कहाँ चाहती है, जब कोरोना आ रहा था जब विपक्ष ने कहा था भी इन्हें कि समझ जाओ स्थितियाँ देश में सुधारो, जब भी नहीं इटली में कोरोना होगा, और आप देखिए आज कोरोना क्या पूरे देश में हाहाकार मचा दिया है, तो इनका तो मजाक उड़ाते हैं जब, लेकिन उन्हें क्लिप तो ये वही लाते हैं पोजीशन की निकाल के, वो मोदी जी क्लिप कहाँ लाते हैं आगे। 7 साल के दौरान मोदी जी 8 बार रोए हैं सार्वजनिक मंच पर, उनका रोना क्या दर्शाता है? अब तो आपको देख लीजिए, पहले मोदी जी के रोने से फर्क पड़ता था देश को, लेकिन अब मोदी जी ये देश भी समझ रहा है घड़ियाली आंसू, अब लोगों के भी समझ में आ गया, और लोग कोई भी इनसे हमदर्दी नहीं रख रहे हैं, प्रधानमंत्री रो रहा है, देखिए कितनी शर्मनाक बात है देश के लिए, एक प्रधानमंत्री ने ऐसा कर दिया कि प्रधानमंत्री ने अपने पद का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री के लिए कोई हमदर्दी नहीं दिखा रहा है। लेकिन तो मोदी जी लोग इनके मोदी जी के लिए हमेशा ऐसा शब्द यूज किया जाता है कि 56 इंच का सीना है, मोदी जी की दाढ़ी से पाकिस्तान थर रहा है, यही तो है, ये तरफ रोते हैं वो,
नहीं, ये तो देखो दो बात होगी, लेकिन 56 इंच वाले पे मैं कहना चाहूँगा भाई, प्रधानमंत्री है देश 135 करोड़ का, आप अपने 135 करोड़ के देशवासियों का 56 इंच का सीना बनाइए, आपको जिम्मेदारी वो सौंपी गई है, अपने 56 इंच का सीने से देश नहीं चलेगा, लोगों को रोजगार दीजिए, जब लोगों का भी 56 इंच का वो भी अपने सीने का भार लेके चलेंगे देश का, अपना योगदान देंगे, तुम उन्हें प्लेटफॉर्म ही नहीं देना चाहते हो उनकी योग्यताओं के अनुसार। मोदी जी ने 2019 में बाकायदा कहा था कि अब हमारा देश आत्मनिर्भर बन गया है खाद्यान्न के मैटर में और हम किसी भी देश से मदद नहीं लेंगे, और इस बार अब जो है एक कैरिबियाई कंट्री से अनाज मदद लेनी पड़ी है। देखिए ये चाहें तो विदेशों में तो एग्रीकल्चर बहुत पैसा खर्च किया जाता है कि खेती उत्पन्न हो जाए, ये तो भारत का किसान है जो खाद्यान्न से भी ज़्यादा पूर्ति करता है देश की, ये तो इनके बिजनेस के व्यापारियों के गठित रहते हैं कि इन पर दबाव बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, उस देश से इम्पोर्ट कराओ, यहाँ की माल की कीमत गिर जाए और यहाँ के माल को भी स्टॉक में कर लो, उनके तरीके होते हैं कि स्टॉक में कर लो धीमे धीमे निकालेंगे, तो ये तो व्यापारियों का है पॉलिसी जो है, लेकिन देश का किसान ने कभी खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं होने दी देश में, और बढ़ चढ़ के और उत्पादन ज़्यादा करता है जितना लोग खा सके, हमारे देश तो एक्सपोर्ट कर सकता है कृषि में। आम आदमी बड़ा परेशान है, सरसों का तेल उनको आसानी से मैसर नहीं हो रहा है, पेट्रोल के महंगे, पेट्रोल से ज़्यादा महंगा सरसों का तेल हो गया देश में। देखिए क्या स्थिति है, किसानों ने तो सरसों का बहुत बढ़ चढ़ के उत्पादन किया है बेहिसाब, अब ये स्टॉक इसी के लिए तो लड़ाई है, आज तो सरसों की हालत हुई है, कल गेहूँ की ना होने लगे, जो रोटी है, जो आम रोटी है, चावल की ना होने लगे, मक्का आगे आगे उसकी स्थिति ना खराब हो जाए, तो उसको भी स्टोर में करके व्यापारी भंडारण ना होगा, तो सरसों जैसा ही हाल होने वाला है, ये देशवासियों को समझ में आ जाना चाहिए। किसान है अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, क्या संख्या और बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी सरकार, ये जो है किसानों की संख्या जैसे जैसे लॉकडाउन कम होता जाएगा उधर किसानों का भी यहाँ आना स्टार्ट हो जाएगा। जो युवा पीढ़ी है वो नहीं आ रही है, बुजुर्ग बहुत है, बहुत सारे युवा पीढ़ी भी पूरी जुड़ी हुई है, आप वहाँ अपने लोकल स्तर पर कार्यक्रम करवाइए, वहाँ पंचायतों में भीड़ देखिए, युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अच्छा, युवा बिल्कुल जुड़ा हुआ, आप यहाँ देखिए युवाओं की तादाद बहुत है, ऐसा नहीं। किसान कह रहे हैं कि 2022 में हम जवाब देंगे वोट से, और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर जो है यहाँ बड़ा वोट बैंक है और बड़ी राजनीति यहाँ से जो है केंद्र के लिए तय होती है, क्या असर डाल पाएगा यहाँ का किसान? बिल्कुल बिल्कुल, एक बार इनके यूपी से हारना स्टार्ट हो गया, जैसी इनकी लहर बनी थी आने की, ऐसी उतरने की लहर बन जाएगी, यूपीए अहम रोल निभाएगा उसमें 2022 के चुनाव में, लोग जो है फिर ये नहीं कि वहाँ भी जीत के आ गए, जो दावा ठोकते हैं बंगाल का भी, लोग पूछ रहे हैं आप तो दावा ठोक रहे थे इतनी सीट पर, कहाँ गए दीदी और दीदी का के मजाक उड़ा रहे थे कोरोना काल में, आपका तो वहाँ खुद मजाक बन गया। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में तो खासतौर पर हिंदू मुस्लिम है या जाति धर्म के आधार पर वोट मिलता है, लोग जब लोग के पेट पे पड़ेगा ना, देखो पेट पे लात पड़ेगी, हिंदू मुस्लिम सब भूल जाएगा, बहुत से कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का ये दोबारा जाल फेंकेंगे और सक्सेस हो जाएंगे उसमें दोबारा वोट ले जाएंगे, चल लोगों को खाने को नहीं मिलेगा, उनके बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ पाएंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिलेगी, तो लोग आएंगे भाई, लोगों को अपना जीवन प्यारा है कि इनके हिंदू मुस्लिम में, जब जीवन की बात आ जाएगी लोगों की तो लोग इनको वोट नहीं देने के हैं, और लोग आज देखिए लोगों की जीवन की बात चल रही है।